सुप्रभात छात्रों, देखो इससे पहले भी हमने बहुत सारे श्लोक सीखे हैं। मैंने आप लोगों को किस तरह बोलने हैं, कब बोलने हैं, ये भी बताया है। आशा करती हूँ कि आप उसके अनुसार श्लोक बोलते होंगे, उसको दोहराते होंगे। तो चलो आज मैं आपके लिए कुछ नए श्लोक लेकर आई हूँ। कौन से वो श्लोक? श्री मनाचे श्लोक। इन श्लोकों की रचना किसने की है आपको पता है? ये चित्र आप देख सकते हैं किसका है, तो श्री रामदास स्वामी इन्होंने इस श्लोकों की रचना की है। तो श्री रामदास स्वामी इन्होंने श्लोकों की रचना क्यों की है? तो वे चाहते थे कि मानवीय मन को एक सही दिशा मिले, इसलिए उन्होंने इन श्लोकों की रचना की है। जो ये जो श्लोक है, जिसे पढ़ने से हमारे मन को शक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है, हमारी जो वाणी है वो भी शुद्ध होती है। तो देखो छात्रों, जिस तरह हम जो भी काम करते हैं उसकी जो शुरुआत है श्री गणेश जी की पूजा से करते हैं। ये श्री गणेश जी जो देवता है वो एक मतलब हम बुद्धि की देवता मानते हैं, और इसलिए इन श्लोकों की जो शुरुआत है यह स्वामी जी ने गणेश जी के नाम से ही की है। उनका जो पहला श्लोक है वो इस तरह है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, जब भी मैं ये इस श्लोक बोल रही हूँ आप भी मेरे पीछे इसको बोलेंगे, दोहराएंगे, ताकि शब्दों का उच्चारण आपके ध्यान में आए, किस गति से बोलना ये आपके ध्यान में आए। तो चलो शुरुआत करते हैं। गणाधीश जो ईश सर्वागुणांचा मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूल चत्वारवाचा, गमो पंत अनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ। दोबारा मेरे पीछे दोहराइए। गणाधीश जो ईश सर्वागुणांचा मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूल चत्वारवाचा, गमो पंत अनंत या राघवाचा। तो जय जय रघुवीर समर्थ। छात्रों, तो इस तरह यह जो पहला श्लोक है इसकी जो शुरुआत है गणेश जी के नाम से हुई है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि गणेश जी जो है वह सर्व गुणों के देवता है। गणाधीश जो ईश सर्वागुणांचा मतलब सर्व गुणों के देवता जो है गणेश जी है, और इसलिए उस जो भी काम हम करते हैं उसका जो आरंभ करते हैं उनके उनका नाम स्मरण करके, उन्हें नमस्कार करके, प्रणाम करके शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरे इसमें उन्होंने बताया कि नमो शारदा मूल चत्वार वाचा। नमो मतलब नमन करना, शारदा मतलब सरस्वती है, तो चत्वार वाचा मतलब हमारी जो वाणी है, जो भाषा है, ये सब भाषाओं की जो देवता है वो कौन है? विद्या की जो देवता है शारदा है, सरस्वती है। और दूसरा जो नमन है, नमस्कार है, हमें शारदा देवी को करना चाहिए, मतलब सरस्वती को करना चाहिए। देखो गमो पंथ अनंत या राघवाचा। गमो मतलब जाना, पंथ मतलब मार्ग, अनंत मतलब जिसको हम अंत नहीं देखते हैं। ऐसे जो राघव है, राम है, उन्होंने जो हमें सदाचार का मार्ग दिखाया है, हमारा जो आचरण है वह अच्छा होना चाहिए, उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर हमें चलना है, यही यहाँ श्री रामदास स्वामी जी हमें बताना चाहते हैं। हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, हमारे आचरण शुद्ध होने चाहिए, और हमें हमेशा सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। तो देखो विद्यार्थी जीवन में यह जो है गुण होना बहुत आवश्यक है। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए और आपको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो छात्रों इस तरह इसका भावार्थ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह श्लोक समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर इस श्लोक को दोहरा लीजिए। धन्यवाद।